तो वेलकम गाइस अगेन। आज का जो शूट है हमारा है वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट को लेकर, और जो कि देख सकते हैं कि स्विफ्ट जो ब्रांड न्यू है गाइस, चेकआउट कर लो, बाहर से ब्रांड न्यू गाड़ी है कि जस्ट सुबह मेरे पास पहुंच गई है। कल रात को भैया की डिलीवरी थी, और देख लो पूरे के पूरे इसमें जो डोर के स्पीकर है वो मुझे रिमूव करने हैं, इसमें डैम्पिंग शीट करनी है, साथ साथ में इसका जो ऑडियो सिस्टम है वो सारा मुझे अपडेट करना है। तो गाइस देख लो पूरा का पूरा, चेकआउट कर लो अच्छी तरह। ये देख लो इसमें मैंने जो शुरू कर दिया वर्क, और उसमें जो स्टीरियो मुझे वो चेंज नहीं करना, बाकी इसका पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट करके दे रहा है। तो गाइस मैं दिखा दूँ आपका, स्टीरियो कंप्लीट फिटेड आ गया, और साथ साथ में हम अब देख लेते हैं कि जो इसमें रियर का है प्रोविजनल वो भी सेम टू सेम है, रियर में भी मुझे चेंज करके देना है, और डैम्पिंग इसमें 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 ऑडियो सिस्टम अपडेट, मतलब पूरा का पूरा अपडेट करना है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें डैम्पिंग शुरू हो चुकी है और उसमें सिस्टम देखिए फिट होता जा रहा है। इसमें मुझे ना डोर के अंदर ट्रिपल लेयर करनी है। तो गाइस मान सकते हैं मतलब इस गाड़ी की जो डोर का वजन नाना करते करते अगर हम हर डोर का वजन लें तो कम से कम दो किलो के आसपास पर डोर का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब पूरा ट्रिपल लेयर हम लगाते हैं, क्योंकि हमारा का पूरा एक एरिया कवर कर लेता है, और एरिया कवर करते करते हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इसके अंदर बाहर से साउंड प्रूफ और जो अंदर सिस्टम है वो बहुत अपडेट हो जाता है। गाइस सिस्टम लगना शुरू हो चुका है, चेकआउट कर लो। JBL के ओवल, JBL का बूफर, साथ साथ में मैंने इसको इंक्लोजर दिया गाड़ी के अंदर। और गाइस इसके अंदर मैं दिखा दूं आपको, फ्रंट डोर पे, रियर डोर पे मैंने स्पीकर दिए हैं इन्फिनिटी के, एक एम्पलीफायर दे रहा हूँ, बुलेट ट्यूटर दे रहा हूँ। खास बात क्या है, बुलेट ट्यूटर डबल पार्ट में है, एक बड़ा साइज 4 इंची, एक 6 इंची, राइट लेफ्ट दोनों पिलर के ऊपर है। और अब आपको दिखाता हूँ मैं आपको उसका जो एम्प है वो JBL, इसका साउंड बैरियर का एम्प है। चेकआउट कर लेके हमारी जो गाड़ी है स्विफ्ट ऑडियो सिस्टम को लेके, क्योंकि देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने पिलर में जो ट्यूटर दिए थे कसमान सॉलिड चीज लगा रखी है इसमें। गाइस जब हम बात करें, कोई भी इसमें हमिंग नहीं है, कोई भी हमिंग, मैं सिर्फ फैन की आवाज़ बंद कर देता हूँ। अब आपको कोई भी इसमें नॉइस नहीं सुनाई देगी, और गाड़ी की जो वॉल्यूम है वो देखिए 11-12 पे दे रखी है। अब गाइस हम बात करते हैं इसके सिस्टम की, जो इसमें सिस्टम लगाया हमने, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें जो हम सॉन्ग प्ले करके। और गाइस अब हम इसका सिस्टम सुनते हैं। दो से तीन पे वॉल्यूम है, मतलब इतना साउंड है कि हमें एक पे आप ड्राइव करते टाइम सुन सकते हैं। गाइस अब इसकी वॉल्यूम बढ़ा, अल्टीमेट साउंड लगाया इसमें। एक बार दोबारा चेकआउट कराता हूँ, फ्रंट डोर में, रियर डोर में हमने जो दिया है वो इन्फिनिटी के स्पीकर दिए हैं, ये देख सकते हैं इन्फिनिटी के जो लगाया हमने, अल्फा सीरीज लगाई है, फ्रंट जो डोर में दिए हैं साथ साथ में इसके दिए हमने ट्यूटर, ये आगे पुलेट ट्यूटर, ड्यूल डोर में देख सकते हैं 4 इंची और 2 इंची, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट। और गाइस एम्प हो गया हमारा साउंड बैरियर का, बूफर आपको दिखा दिया, JBL दिया है, साउंड अल्टीमेट बना के दिया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर साउंड दिया, एक बूफर में जो बेस्ट हो सकता है मैंने भैया का वो दिया है। और गाइस कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम और ही बेटर दूं आपको। वीडियो एंड करते हुए वर्क बाय कौशिक कार एक्सेसरीज, और एक सेकंड होल्ड इस गाड़ी का इंटीरियर देख लो भी गाइस, चेकआउट कर लो, बिल्कुल बेसिक मॉडल है। इसको मैं वो बना के दूंगा जो स्विफ्ट के अंदर बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलेगा, ये नहीं कहूंगा कि नहीं दिखेगा, बट दिखेगा बहुत रेयर। तो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है वो कंप्लीट हो चुकी है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और साथ साथ में दिखा दे स्टेयरिंग भी पूरा रैप करके दिया हमने, जो कि टॉप एंड मॉडल के अंदर भी नहीं आती ये वाली फिनिशिंग। पूरा का पूरा चेकआउट कर लो, जो उसका फ्रंट है और रियर, देखिए हैंडरेस्ट मैंने इसमें लगाया फ्रंट दोनों सीटों के अंदर। पहले आपको ड्राइवर सीट पर दिखा दूँ, फिर कोच
ड्राइवर में आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं रियर की तरफ, जो कि इसके अंदर हमारा जो कंफर्टेबल जोन है वो रियर में भी क्या दिख रहा है आपको दिखाता हूँ। दिस वन, ये देख सकते हैं कि हमारे के जो सीटों के अंदर और बैक के अंदर कितना कंफर्टेबल हमने करके दिया है, और जो उसका वर्ड है वो बिल्कुल इस सीट के ऊपर मैच करता है, एक्स्ट्रा कम्फर्ट मतलब एक्स्ट्रा कम्फर्ट। तो गाइज ये देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है, ब्लैक प्लस वर्सेस ब्लैक। तो गाइस ये देख सकते हैं सीट जैसे ही हम रिवर्स करते हैं ये हैंडल्स भी ऑटोमेटिकली अप डाउन करता है। देखिए दिस वन, को ड्राइवर सीट पे भी लेफ्ट साइड पे भी हमने सेम आराम रेस्ट लगा के दिया है, बिल्कुल एज इट इज़, मतलब कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, परफेक्ट करके दिया है।